एक आदमी ने एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का फैसला किया। अन्य सभी लोगों ने यह असंभव है, यह असंभव है चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर भी वह शिखर तक पहुंच गया। कैसे? क्योंकि वो बहरा था और उसे लगा कि हर कोई उसे शिखर पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वो शिखर तक पहुंच सका क्योंकि वह चारों ओर से आने वाली आवाजें सुन नहीं सकता था। इसी तरह एक निवेशक के रूप में अगर आप अच्छा कमाना चाहते हैं, तो आपको चारों तरफ से आने वाली आवाजों को अनदेखा करना सीखना होगा। बाजार के बारे में समाचार पत्रों की सुर्खियों का क्या कहना है, इसे अनदेखा करें। न्यूज़पेपर की हेडलाइन आपको केवल बीते हुए कल के बारे में बता सकती है और आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न आने वाले कल पर आधारित है। मुझे लगता है कि आप शेयरों में सबसे खराब गलती जो कर सकते हैं वो है मौजूदा सुर्खियों के आधार पर खरीदना और बेचना। टीवी पर ऐसे विशेषज्ञों की बात न माने जो आपको बाजार की भविष्यवाणियां देते हैं। बाजार की भविष्यवाणी करना असंभव है। जो लोग सोचते हैं कि वे शेयर बाजार के शॉर्ट टर्म की गति की भविष्यवाणी कर सकते हैं और अन्य लोग जो भविष्यवाणी करते हैं उनकी बात सुनते हैं, वे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। निवेश के बारे में आपके मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों का क्या कहना है, इसे भी ना सुने। दूसरे जो कर रहे हैं उसका अनुसरण करके कभी भी स्मार्ट निवेशक नहीं बन सकते। याद रखें, जब अन्य लोग भयभीत होते हैं तो आपको लालची बनना चाहिए और अन्य लोग जब लालची बने तब आपको भयभीत रहना चाहिए। सफलता की चाबी वित्तीय सलाहकार के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों पर चर्चा करना और सही एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखने में छुपी हुई है।